नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आज जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है, आगे बढ़ा है। मैं इस सूची को, जो 50 महिलाएं हैं, 2 मिनट में मैं उनकी सूची पढ़ के आपको सुनाना भी चाहती हूँ। नंबर 18 नगीना में श्रीमती हेनरीटा राजीव सिंह, नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह, नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद, नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम, 46 किठोर में श्रीमती बबीता गुर्जर, 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी, 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक, 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल, 92 में श्रीमती मनोज दीक्षित, 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर, 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा, 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल, एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा, मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साकिया, करहल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी, बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा, बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह, बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती, बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन, जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर, पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी, शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे, मोहम्मदी 144 में श्रीमती ऋतु सिंह, सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक, बांगरपाऊ 162 में श्रीमती आरती वाजपेयी, मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत, उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह, लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर, मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी, कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज, फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद, औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे, बिलहौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी, कालपी 220 में श्रीमती उमा कांति, औरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी, मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे, रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी, फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे, इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद, बारा 264 में श्रीमती मंजू संत, दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा, हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी, गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप, डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे,
हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह, खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी, रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339, सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और महनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी सीएलपी लीडर हैं, लुईस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी के का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी, उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में कुंभा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की, कि अपनी अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा, सदफ जाफर ने एनआरसी सीए के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला, उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है, वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगें।